हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनवीर है और हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्टअप किया है जिसका नाम है फोफ टाइम। बेसिकली प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर जो हमने कंटेंट रखा है वो फैमिली रिलेटेड है, जिसके अंदर आपके पास कॉमेडी भी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, सब कुछ आपको मिलेगा सिवाय एरोटिक सीन्स के। तो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट है हमारा आपका एक फैमिली बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसी वजह से हमने स्टार्टअप अपना किया हुआ। तो मंदिर की जो नाम आपने रखा है, ये कॉफी ऑफ टाइम मिला के रखा है या क्या सर? कॉफ टाइम का जो एक्चुअली है ये आपका ना सिनेमा ऑफ फ्यूचर है। ओके, यानी जो फ्यूचर टाइम का जो सिनेमा है वो आपके लिए कॉफ टाइम ही रहने वाला है, तो सिनेमा ऑफ फ्यूचर टाइम आपका कॉफ टाइम। तो ये जो कॉफ टाइम है इसमें लाइक जो एक्सपीरियंस पर्सन को काम करने वाला है या न्यूकमर चाहिए? नहीं नहीं, इनमें दोनों के लिए, न्यू कमर्स के लिए भी एक अलग सेक्शन है, वो भी डेफिनेट अगर हल्का सा पोटेंशियल है तो हम उनको भी एंट्री दे रहे हैं आज के लिए। ऐसा नहीं कि जो फुल्ली एक्सपीरियंस कोई दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल आता है उस व्यक्ति को भी हम एंट्री दे रहे हैं, ऑलरेडी हम दे भी चुके हैं। दिवाली के अवसर पर आपने एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत बढ़िया रहा है और सभी लोगों ने बड़ा अच्छा एफर्ट भी किया पूरी की पूरी टीम ने। और आइडिया का मीनिंग यहाँ से आया कि एक बार ना जैसे हम एज ए फैमिली देख रहे हैं तो नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है, अब मैं नाम नहीं ले सकता बट मूवी बहुत ही अच्छी है, सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ है, एज ए फैमिली बैठ के देख रहे हैं, बट अचानक उसमें कोई सीन ऐसा आता है कि मैं छोटा बच्चा है वहाँ पर हमें स्किप करना पड़ रहा बार बार। नो डाउट मूवी देखना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी मूवी है बट हमें स्किप करनी पड़ती है बीच बीच में। तो वहाँ से आइडिया आया था कि हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कभी पूरी फैमिली बैठ के इकट्ठा देखें, क्योंकि ये जो एक्चुअली जो पूरा प्रोजेक्ट चलता है सिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, गाँव में या आप जहाँ भी इतनी एडवांस चीज़ें नहीं हुई हैं वहाँ पे लोग इन कंटेंट को अभी भी पसंद नहीं करते। हमारा मेन फोकस उसी एरिया पे है, उसी टारगेट लोग हम चले। जी मेरा नाम नेहा है और मैं इन हाउस इनके साथ एज अ प्रोड्यूसर एक सीरीज़ हमने अभी लॉन्च की है जो फैमिली बैठ के देख सके, बच्चे बैठ के देख सके, इंजॉय कर सके। बस हमारा यही मोटिवेशन है कि अच्छा कुछ बनाना है, अच्छा पब्लिक को दिखाना है, दैट्स इट। नहीं नहीं, ऑलरेडी आपका प्ले स्टोर पे हमने डलवा दिया है और रील्स पे कंटेंट कहने स्टार्ट हो गया, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आपका? हाँ अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर कॉफ टाइम करके हमारा ऐप लॉन्च हुआ है तो वहाँ पर आप जाइए और देखिए। स्टार्टिंग में फ्री है अभी फिलहाल। हाँ कुछ कंटेंट है, कुछ डाले जा रहे हैं। सर आप बताइए, आपका नाम बताइए और किस तरह के कॉन्सेप्ट है? मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है। एक्चुअली इसमें जो कंटेंट आ रहे हैं सारे, जैसे मार्केट में रिलेटिव है सारे, सस्पेंस चाहिए जो भी चाहिए सारे इसमें है, बट हम मैक्सिमम करके लोगों को देख सके वो चीज़ें हम यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो अदर प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे छोटे छोटे OTT पर वो चीज़ नहीं दिख रहे, तो हम उस चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और उसी चीज़ों को, जैसे हमारा एक वीर का हीर फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो फुल कॉमेडी सीरीज है। आप हमको जानना चाहेंगे क्या डिफरेंट होने वाला, काफ़ी सारे OTT किस तरह से अपने मतलब कंटेंट पे क्या रहेगा फोकस? ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि जो हमारा मेन फोकस है वो एज ए फैमिली सेटअप बनाने के ऊपर ही है, ताकि फैमिली गैदरिंग हो, जो हमारा पुराना कल्चर था जो खत्म हो गया किसी भी रीज़न से, आज फैमिली इकट्ठी बैठ के नहीं मूवी देख पाती हैं, हम उसी कल्चर के ऊपर दोबारा काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक सेटअप है। नो डाउट आप जब देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप के वीर की, आपको बहुत ही शानदार अल्टीमेट मजा आने वाला है और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करोगे कभी एक OTT लॉन्च हो करें अपना नया प्रोजेक्ट। अच्छा मनवीर जी, अभी एंकर बता रहे थे कि सोनू सूद जी आने वाले थे, उससे कैसे कॉन्टेक्ट किया आपने? बस रेफरेंस के थ्रू हमारा कुछ उनसे अटैचमेंट हुआ था, तो नो डाउट वो जल्दी पहुँचने वाले हैं। कब तक आने वाले हैं? हमने अभी फर्स्ट वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है वीर की हीर, और
और ये जो वेब सीरीज़ है फैमिली आराम से बैठ के देख सके, अपने बच्चों के साथ देख सके, फैमिली बेस पे हमने बनाया, कॉमेडी है बहुत सारा इसमें। और होता है ना छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत अडल्ट सीन्स वगैरह जो दिखाते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, बच्चे नहीं बैठ सकते हमारे साथ में, तो हम कुछ हट के चीज़ें, हम अपनी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमारा प्ले स्टोर पर कॉफ टाइम आया है, तो आप आगे चल के इसे डाउनलोड करें, देखिए, आपको पता चलेगा हम किस तरह के वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। कितने एपिसोड की बन रहे हैं? ये डिपेंड करता है, अभी हम जैसे कोई फैमिली सीन चल रहा है या फिर हमें कुछ अलग चीज़ें दिखानी है तो अलग अलग एपिसोड के हिसाब से हम बनाएंगे, 4 एपिसोड 5 एपिसोड 10 एपिसोड, जो जैसा हमारा स्टोरी रहेगा उस हिसाब से हम बनाएंगे। एक एपिसोड कितने मिनट का? 22 मिनट का। मार्केट कैसे करेंगे, इस तरह बताइए, आप थोड़ा एक कॉन्टेंट इस तरह का है आपसे, किस तरह मार्केटिंग करने वाले हैं? मार्केटिंग एक्चुअली अपना प्रॉपर सोशल मीडिया के प्रमोशंस के थ्रू हमारी चल रही हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी बहुत पहले से मार्केटिंग कर रहे हैं। और न्यू जो लोग आते हैं, काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन ट्रेंडों में काफ़ी बड़े बड़े इस तरह का कंटेंट नहीं, ऑलरेडी हमने आज आपको बताया भी है कि हर न्यू कमर के लिए हमारे पास स्पेस है, ऑलरेडी हमने अपने OTT के अंदर ही एक ऐसा स्पेस बनाया हुआ है। अगर कंटेंट अच्छा है, उनकी स्टोरी अच्छी है, या हम सब साथ में देख सकें, हमारी फैमिली साथ में देख सकें, हमारे दोस्त यार जो भी है साथ में देख सकें, तो हम ऐसे कंटेंट्स उठाना चाहेंगे, हम उनको भी चांस देंगे। हमारा यही है कि ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो हम ज़रूर लेंगे। सर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते, मतलब थोड़ी साउंड नहीं आता। अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो हमारा क्रिस्टल प्लाजा में ऑफिस है, तो कॉफ टाइम करके ऑफिस का नाम है, और इनका प्रोडक्शन करेगा श्री लक्ष्मी ना, कॉफ टाइम, तो क्रिस्टल प्लाजा में आप कॉफ टाइम किसी को भी पूछो तो पता चल ही जाएगा, वहाँ पे आके हमें कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। सर आपसे जानना चाहेंगे, कोई बड़ा स्टार भी इसमें आने वाला है? कहाँ पर? जी आएंगे आने वाले फ्यूचर में, और बहुत स्टार हम लेके ही काम करेंगे, और मार्केट के ही कास्टिंग हम लेके काम करेंगे। उसके नाम बताएंगे जिनके अपने सर, इसको थोड़ा सर, ऐसे हम नाम नहीं बता सकते हैं, बट फ्यूचर में हमने बहुत कुछ सोच के रखा है, ऐसे हम नाम नहीं बता सकते हैं। अलग अलग सेक्टर को बोले, काफ़ी सारे सेक्टर हैं, क्या क्या होने वाला है, जैसे कॉन्टेंट हो गया, वीडियो हो गया, रील्स हो गया, इसके अलावा क्या क्या आप कुछ और बोले, डांस भी है, फिटनेस भी, ये सब भी हो रहेगा? नहीं एक्चुअली अलग सेक्टर का मतलब है कि अगर जैसे कोई कंटेंट राइटर है, राइट, कोई स्टोरी मेकर होता है, आर्टिस्ट हैं, तो अलग अलग सेक्शन में जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं सभी के लिए प्लेटफॉर्म है। एंड आई हैव प्लेड द मेन लीड इन वीर की हीर, जो अभी कॉफ्ट एंटरटेनमेंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एंड ये कॉमेडी प्लस ह्यूमर एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके अभी तक 3 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, एंड दे विल बी सून एयर्ड ऑन कॉफ टाइम एंटरटेनमेंट, एंड you guys are gonna love it because there is a lot of comedy, there is a lot of serious scenes, and it is really nice. And the main thing is that if you guys are giving us the time, okay, if you are subscribing to the Kofta Entertainment, the one thing I'm sure about is you are not gonna regret it. It will be your time will not be in the wasted hands. You will 100% enjoy it, and we have put our hard efforts, the production team, the creatives, the actors, and everybody, the staff, they have done a really tremendous job, and yeah, it was really nice working with them. Thank you. I am playing main lead. I am playing the character of Veer in Veer Ki Heer. And yeah, the character is nice. It is a humble one. इसके साथ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, इसके साथ कुछ ऐसे दोष हैं कि ये किसी भी अगर लड़की के करीब जाना चाहता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता है कि वो उसके करीब जा नहीं पाता है, उसकी शादी हो नहीं पाती है, और किसी भी लड़की ने उसको कहा है कि ओके मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन गेट विद यू, तो या देन समथिंग टेरिबल हैपन्स एंड इट इज़ आउट ऑफ द वे, दैट्स इट। थैंक्स यू। मैडम बोलेंगे आप अपने बेटे का? नहीं, मम्मी थैंक्स।